Hello guys I am Yogendra Sharma once again among you to present your fourth chapter of snapshots Albert Einstein at a school this chapter is very interesting very very interesting chapter very entertaining chapter and you will learn how a boy can how a boy can uh, come over his desires

जो अलबर्ट आइंस्टीन था इसका इस स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ये इस स्कूल से निकलना चाहता था खुद वहाँ से बाहर निकलना चाहता था तो उसका कारण क्या बना वैसे तो ये बहुत ही होशियार लड़का था लेकिन इसने कुछ इस तरह से अपनी हरकतें शुरू कर दी थी जैसे कि हिस्ट्री के टीचर ने जब पूछा कि कोई विशेष डेट पूछी और वो डेट क्या पूछ पूछी थी उसने कहा था कि प्रसियन सेना ने नेपोलियन को वाटर लू के युद्ध में पराजित किया था तो वो कौन से वर्ष में पराजित किया था कौन से वर्ष में उसे हराया था इन विस ईयर हाँ ही वॉज डिफीटेड तो उसने कहा कि मैं सब इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता हूँ मैं तो कारण जानना चाहता हूँ कि वो क्यों लड़े थे तो इस तरह की उन हरकतों ने उसको स्कूल से निकालने में मदद की थी हालांकि बाद में सबसे बाद में पता चलता है उसने ये बात अपने एक उसकी चचेरी बहन थी जिसका नाम एल्स था उसको बताई थी कि स्कूल में उसका मन भी नहीं लगता है हाँ उसका एक मित्र था जिसका नाम यूरी था तो यूरी ही एकमात्र ऐसा मित्र था उसका जो उसको सपोर्ट भी करता था उसका भला भी चाहता था तो यूरी ने उसको एक बात भी बताई कि यदि वो अपनी बीमारी को प्रूव कर दे कि वो बीमार है तो स्कूल से जा सकता है तो वो डॉक्टर के पास भी पहुँचे थे और डॉक्टर ने उससे कहा भी था कि तुम वास्तव में ही बहुत ही जल्दी बीमार होने के निकट हो है और इस बात को वो लिख कर देने के लिए भी राज़ी हो गया था लेकिन उससे ये पूछा था उसने डॉक्टर ने आइंस्टीन से कि तुम चलो ठीक है यहाँ से चले जाओगे स्कूल से लेकिन स्कूल के जाने के बाद क्या करोगे तो अल्बर्ट ने बताया था कि जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं वहाँ चला जाएगा वो वहीं कॉलेज में प्रवेश लेगा आ? वहीं डिप्लोमा करेगा लेकिन बाद में वहाँ से स्कूल से निकलने में उसकी मदद उसके जो गणित के टीचर थे उन्होंने की थी उनके द्वारा ही उसको वहाँ से निकलने में मदद मिली और एक दिन ऐसा हुआ कि जब अल्बर्ट के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको अपने रूम में बुलाया और उससे कहा कि तुम टीचर्स को परेशान करते हो तुम्हारे गलत व्यवहार और आलसीपन जो है इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा इसलिए तुम्हें इस स्कूल से निकाला जा रहा है ए क्योंकि तुम बहुत ही विद्रोही हो ना खुद पढ़ते हो ना दूसरे छात्रों को पढ़ने देते हो ना टीचर को पढ़ाने देते हो तो अंत में अलवर यही कहता है आइंस्टीन कि मैं तो स्वयं ही इस स्कूल को छोड़ करके जाना चाहता था हाँ तो वो क्या कहता है कि आई वा आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लीव दिस स्कूल है एंड यू डिड माई वर्क तुमने मेरा काम आसान कर दिया तुमने मेरा काम कर दिया तो ये तो होगी इसकी समरी है अब मैं इसका लाइन टू लाइन आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए ठीक है और यदि चैप्टर समझ में आता है कुछ अच्छा लगता है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों से भी कहें कि उसको सब्सक्राइब करें ओके चलिए तो लाइन टू लाइन इसका हम अभी हिंदी में पढ़ते हैं इसको एल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन तो न्यूटन के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को सबसे महानतम भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है भौतिक शास्त्री माना जाता है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डेस्क्राइब्स द सर्कमस्टांसिस विच लेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्सन फ्रॉम ए जर्मन स्कूल तो ये जो लेख है तुम्हारा है इस लेख में जो लेखक हैं जिसका नाम पैट्रिक प्रिंगले है उन्होंने उन उन्हों परिस्थितियों का वर्णन किया है जिनके कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी के एक स्कूल से एक्सपल्स किया गया था मीन्स उसको निकाला गया था तो लाइन टू लाइन अब इसका अर्थ आता है इन वट ईयर आइंस्टीन द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रिशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटर लू कि आइंस्टीन ये बताओ कि प्रशिया वालों ने वाटर लू में कौन से वर्ष में फ्रांसीसियों को हराया था कब हराया था उन्होंने तो इतिहास के अध्यापक ने ये बात उससे पूछी उसने कहा आई डोंट नो सर वाई डोंट यू नो तुम क्यों नहीं तुम्हें तो क्यों नहीं पता यू हैव बिन टोल्ड इट ऑफ एन एनअप कई बार तुमको बताया गया है आई मस्ट हैव फॉरगॉटन कहता मैं भूल गया हूँ अवश्य ही मुझे भूल पड़ गई होगी डिज यू एवर ट्राई टू लर्न आस्क मिस्टर ब्राउन तो मिस्टर ब्राउन जो कि उसके हिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कभी याद रखने का प्रयास किया उसने कहा नो सर बिल्कुल नहीं एल्बर्ट रेप्लाइड विद हिज यूजल अनथिंकिंग ऑनेस्टी अनथिंकिंग जिस पर विचार ना किया जाए तो uh, कहने का मतलब अविचारित अविचारिक ईमानदारी से उसने बिल्कुल कह दिया कि नहीं साहब मैं क्यों याद रखने लगा मैंने याद नहीं किया वाई नॉट क्यों नहीं किया आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स कहता है कि डेट्स को याद करने में मुझे कोई तुक दिखाई नहीं पड़ता हैं वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन ए बुक वो तो किताब में मिल सकती हैं मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स तो कुछ समय के लिए मिस्टर जो ब्राउन थे वो स्पीचलेस रह गए हैं कहने का मतलब अवाक रह गए उन पर वो कुछ बोल नहीं पाए यू अमेज मी आइंस्टीन ही सेड एट लास्ट अंत में उन्होंने कहा कि आइंस्टीन तुम मुझे चकित कर देते हो डोंट रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स हैं क्या तुम यह है? महसूस नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति बहुत सारे तथ्यों को हमेशा बुक में ही देख सकता है दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल है और यह बात उन सभी तथ्यों के ऊपर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो यस सर देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स तो मुझे यह समझना चाहिए कि तथ्यों को समझने में तुम्हें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती कोई फैक्ट नज़र नहीं आता है फ्रेंकली सर आई डोंट सेडर्ट अलवर्ट ने कहा और स्पर्श सी बात है मुझे नज़र नहीं आती बिल्कुल स्पष्ट बात है देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल तब तो तुम शिक्षा में भी विश्वास नहीं करते थोड़ा सा भी सीखने में तुम्हें तो थोड़ा भी विश्वास नहीं है जब टीचर ने कहा उससे ओ यस सर आई डू कहने लगा हाँ है क्यों नहीं है आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि किन तथ्यों को याद करना ही एजुकेशन होती है ऐसा नहीं है इन दैट केस सेट दिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकसम सरकसम कहते हैं ताना मारना व्यंग करना तो भारी भरकम व्यंग करते हुए हिस्ट्री के टीचर ने कहा कि ऐसी स्थिति में फिर तो फिर तो क्या यू विल बी सो काइंड टू सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन है फिर तो तुम आ, दयासी करके तरह से कक्षा को जो, जो क्लास है इसको आइंस्टीन सिद्धांत के बारे में बताओ कि आइंस्टीन सिद्धांत क्या है अल्बर्ट फ्लेस्ट अल्बर्ट एक साथ आवेश में आ गया प्लस मीन्स आवेश में आना क्रोध में आना तो एक साथ वो आवेश में आ गया अल्बर्ट आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज ही उसने कहा मेरे विचार में तथ्यों का नहीं बल्कि विचारों का मूल्य होता है आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन तो वो कहता है कि युद्ध की जो डेट्स हैं उनको और कौन सी सेनाओं ने अधिक व्यक्ति मारे हैं इसके विषय में जानने में मुझे कोई फैक्ट नजर कोई तुक नजर नहीं आता है आई वुड मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स ट्राइंग टू किल ईच अदर बल्कि मुझे तो उन तथ्यों के बारे में जानने की अधिक रुचि है कि सेनाएं एक दूसरे को मारने में रुचि क्यों ले रही थी क्यों मार रही थी एक दूसरे को दैट इज एन ऑफ मिस्टर ब्राउन आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल कहने लगा अब काफी हो चुका है किसने कहा मिस्टर ब्राउन ने ब्राउन ने हैं और इसलिए उनकी आंखों में थोड़ा ठंडापन और क्रोध नजर आ रहा था कि कहने लगे बहुत कुछ हो चुका है वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन मुझे तुम, हमें तुमसे किसी लेक्चर की आवश्यकता नहीं है हा? किसी भी लेक्चर की आवश्यकता नहीं है तुमसे, आइंस्टीन और यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे आज तुम्हें एक पीरियड और देर तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा ऑल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड हालांकि मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई विचार में मेरे विचार में इससे तुम्हें तो कोई लाभ तो पहुँचेगा नहीं लेकिन तुम्हें तो यहाँ रुकना होगा इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर और इससे स्कूल का भी कोई लाभ नहीं होगा यू आर एट डिस्क्रेस तुम एक कलंक हो आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल क्यों आते हो लगातार आते रहते हो किस उद्देश्य से आते हो आई डोंट नो इट इज़ नॉट माई विश सर एलबर्ट पॉइंटेड आउट आउटर्ट ने कहा कि मेरी मर्जी नहीं है ये यहाँ आने की देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय तो तो तुम बड़े ही अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश लड़के हो एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ तुम्हें तो अपने ऊपर असेम मीन्स लज्जा आनी चाहिए शर्मा आनी चाहिए आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे और मैं तुमको ये साथ सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से कहो कि वो तुम्हें तो यहाँ से स्कूल से निकाल ले जाए अलबर्ट फेल्ट मिजरेबल वैन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग तो अलबर्ट इस बात से अत्यधिक दुखी महसूस कर रहा था जब उस दिन दोपहर के बाद वह स्कूल से लौटा इसलिए नहीं कि वह दिन उसके लिए बुरा रहा बल्कि ऐसे बहुत से दिन उसके लिए बुरे हुआ करते थे लेकिन वो परेशान क्यों था बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग कि अगले दिन भी उसे इस घृणित स्थान पर क्योंकि इससे वो घृणा करता था आना पड़ेगा इसलिए वो परेशान था ही ओनली विस्ड इज फादर टेक हिम अवे वो तो केवल चाहता था उसकी यही इच्छा थी कि उसके पिताजी उसे स्कूल से तो हटा लें लेकिन वो चाहता था इस बात को बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग लेकिन उसे पूछने में भी कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा था ही न्यू वाट द आंसर वुड भी वो जानता था कि आंसर क्या होगा ही वुड हैव टू स्टे अनटिल हैड टेकन हिज डिप्लोमा उसे तो वहाँ अपना डिप्लोमा लेने तक स्टे करना ही था रुकना ही था गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप तो अपने निवास पर पहुँचने के बाद भी उसे कोई खुशी नहीं हुई तसल्ली नहीं हुई हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर द अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिख तो उसके पिता के पास बहुत ही कम धनराशि थी बहुत ही कम पैसा था इसलिए अल्बर्ट को जो म्यूनिक था मुनीच जो था उसमें सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो घटिया जगह थी कहने का मतलब तो जो सबसे अधिक कमजोर क्वार्टर थे उनमें से उसको एक कमरा दिलाया गया अल्बर्ट को ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर बट ही हेटेड द एटमोस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस तो उसे घटिया भोजन और आराम का जो अभाव था या गंदगी और जो वहाँ पर मेलापन था स्क्वेलर जो थी उसकी चिंता बिल्कुल नहीं थी उसकी चिंता नहीं करता था लेकिन वह उस गंदी बस्ती की जो हिंसा होती थी हाँ। जो स्लम वायलेंस स्लम में जो वायलेंस होता था गंदी बस्तियों में उससे उसको परेशानी होती थी हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली जो उसकी मकान मालकिन थी वो रेगुलरली बच्चों को पीटा करती थी एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर और प्रत्येक शनिवार को उसका जो हस्बैंड आता था वो शराब पी करके के आता था दारू पी करके के आता था और उसको पीटता था वो उसको पीटता था आ के वो बच्चों को पीटती थी तो ये जो हिंसा थी उसको बर्दाश्त नहीं थी पसंद नहीं थी बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन सेड यूरी वैन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग लेकिन कम से कम एट लीस्ट हमारे पास अपना कमरा तो है जो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत है यूरी ने उसको वो बात उत्तर दिया जब शाम को वह उससे मिला तो यूरी ने कहा उससे एट लीस्ट यू लिव एमोंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स सेड अलवर्ट तो अल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो चाहे वो गरीब विद्यार्थी क्यों ना हो लेकिन वो सभ्य तो हैं दे आर नॉट ऑल सिविलाइज यू डी रेप्लाइड यू डी ने रिप्लाईड किया उत्तर दिया कि वो सभी सिविलाइज्ड नहीं है डेड यू नॉट हीयर दैट वन ऑफ देम वॉज़ किल्ड लास्ट वीक इन एल क्या तुमने सुना नहीं था हा? कि पिछले सप्ताह उनमें से एक की जो ड्यूअल ड्यूअल का मतलब दो लोगों का आपस में लड़ाई है उसमें एक की हत्या कर दी गई थी हा? और एंड व्हाट टू द वन हु किल्ड हिम है और जिसने उसे मारा उसके साथ क्या हुआ होगा नथिंग ऑफ कोर्स ही इज इवन प्राउड ऑफ इट कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ उसे तो इस पर गर्व हो है हिज ओनली वरी इज दैट उसकी केवल चिंता यही है दैट द ऑथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स कि केवल जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने उससे और अधिक द्वंद्व युद्ध करने से अब मना कर दिया कि अब वो लड़ेगा नहीं बाकी उसको कोई पछतावा नहीं है ही इज अपसेट अबाउट दिस और इसको लेकर के वो बहुत अपसेट है बिकॉज ही हैज सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ एज ए बेज ऑफ ऑनर क्यों क्योंकि उसे सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने बाकी जीवन हेतु वो जो धारण करने वाला चेहरे पर एक भी घाव अब तक नहीं लगा था इसलिए उसे इस बात का खेद दौर है कि अधिकारियों ने उससे मना कर दिया एक्सक्लेम्ड एक्स एल्बर्ट एंड देयर आर द एंड दीज आर द स्टूडेंट्स तो कहने लगा ओह पढ़े थोड़े से एक्सक्लेम थोड़ा सा विस्मय हो, होते हुए बोला तो और एलबर्ट ने कहा कि और यही विद्यार्थी हैं वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डिसड यूरी यूरी ने कहा कि तुम भी एक दिन विद्यार्थी बनोगे निश्चित बन जाओगे आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा कहता है कि मुझे शक है हाँ कि मैं स्कूल से कभी भी इस तरह का डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर सकूँगा मुझे इस बात का शक है किसने कही ये बात आइंस्टीन ने कही ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम सी केम टू म्यूनिच और उसने यह बात है जब एल्सा उसकी जो चचेरी बहन थी जो म्यूनिक आई थी हाँ उसी दिन तो उसने उसी नेक्स्ट डे तो उसको ये बात एल्सा को बताई नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन वैसे तो वो बर्लिन में रहा करती थी वे आर हर फादर हैड ए बिजनेस जहाँ उसके पिता का व्यापार होता था आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट उसने कहा कि अल्बर्ट इफ़ यू ट्राई इट यदि तुम ट्राई करो तो तुम आराम से एग्जाम को पास कर लोगे सी सी एड उसने ऐसा कहा था आई नो लॉट्स ऑफ वॉइस हु आर मच मोर स्टूपिट देन यू आर मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख हैं एंड हु गैट थ्रू और जो पास हो जाते हैं दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग है लेकिन वो क्या कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वाट यू आर टॉट जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम जो कुछ तुम्हें पढ़ाया गया है, है? वह तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा केवल परीक्षा में लिखने के योग्य बन जाओ तुम केवल केवल रिपीट कर दो तो उसको दैट इज द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट और अल्बर्ट ने कहा कि यही तो सबसे पूरी की पूरी परेशानी है आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट कहता है कि मुझे जो चीज जुबानी याद करती हैं हाँ बिल्कुल बाई हार्ट याद करते हैं उन्हीं से तो मुझे दिक्कत होती है मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ एबल नहीं हूँ उसमें लिए उसमें अच्छा नहीं गुड नहीं हूँ यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट तो तुम्हें उसमें सक्षम होने की आवश्यकता भी नहीं है एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट कोई भी तोते की तरह रट सकता है इनको यू जस्ट डोंट ट्राई हैं कि तुम केवल प्रयास नहीं करते हो बस इतना अंतर है एंडियट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म है और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम हमेशा हाँ अपनी बुक को अपनी बगल में दबाए रहते हो अपनी आर्म के नीचे दवाए रखते हो हैं एडेड एल्सा है किसने कही ये बात उसकी चचेरी बहन एल्सा ने कही कि जब भी मैं देखती हूँ तो तुम हमेशा अपनी बुक को दबाए रखते हो व्हाट इज़ वन यू आर रीडिंग तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो ए बुक ऑन जियोलॉजी जियोलॉजी जो भूविज्ञान होती है भूगर्भ शास्त्र जो होता है यथा उसकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ भूविज्ञान जियोलॉजी रॉक्स एंड थिंग्स चट्टाने और दूसरी वस्तुएं यू लर्न दैट क्या तुम तो उन्हें सीख लेते हो याद कर लेते हो नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल मुश्किल से ही मुश्किल से लेस मात्र सी विज्ञान है वहाँ पर नो देन वाई आर यू स्टडिंग इट हाँ तब तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो बिकॉज आई लाइक इट क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ इजेंट दैट ए गुड एन एफ क्या ये कारण आपको ठीक नहीं लगा एल्सा साइड एल्सा ने एक जोर की सांस ली साई जोर की सांस लेना यू आर राइट तुम ठीक कह रहे हो ऑफ कोर्स एल्बर्ट सी सैड उसने कहा बट इट वॉन्ट्स हेल्प विद योर डिप्लोमा लेकिन इससे तुम्हारे डिप्लोमा में कोई मदद नहीं मिलेगी यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट हाँ सॉरी अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक तो विज्ञान की पुस्तकों के अलावा उसको जो केवल आनंद मिलता था सुकून मिलता था वो म्यूजिक में मिलता था एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अनटिल हिज लैंड लेडी आज टू स्टॉप और वह लगातार अपने वायलिन को बजाता रहता था कब तक जब तक उसकी जो लैंड लेडी थी अर्थात मकान मालिक नहीं थी वो उसको बंद करने के लिए नहीं कहती तब तो तक तो बजाता रहता था दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स सी सैड देयर इज़ एनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग तो वो क्या बोलती थी आ? वो क्या कहती थी कौन कौन कहती थी बताओ कौन बोलती थी मकान मालिक आ? क्या कहती थी दैट वेलिंग गेट्स ऑन माय नर्व्स हाँ कि ये जो वेलिंग है वेलिंग का मतलब ऐसे वेल मीन्स रोना होता है कहता है कि ये जो रोना पीना है रो, रोना धोना है ये इससे मुझे घबराहट होती है सी सेट वह बोलती थी ऐसा देयर इज एनअ नॉइज इन दिस हाउस इस घर में तो वैसे ही काफ़ी अधिक शोर रहता है विद ऑल द किड्स हॉलिंग कब जब सारे बच्चे इधर उधर हॉलिंग करते रहते हैं इधर उधर शोर मचाते रहते हैं एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड हाउल बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग तो अल्बर्ट यह बताने के लिए लालयत हो गया यह बताना चाहता था कि अधिकांश समय वह स्वयं उन्हें चीखने के लिए बाध्य करती है वो यही बताना चाहता था कि तुम हो इट वॉज सी हु मेड देम हाउल है कि तुम ही तो उन्हें चीखने के लिए बाध्य करती हो बट लेकिन ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग लेकिन उसने ये सोच लिया कि कुछ कहने में कोई भी ज्ञान नहीं है कुछ कहना ही नहीं कहना ही ठीक है आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर ही टोल्ड यूरी है उसने यूरी से कहा अपने मित्र से कि मुझे यहाँ से अवश्य ही चले जाना चाहिए आफ्टर सिक्स मंथ्स एलॉन इन म्यूनिक जब वह छः महीने अकेला म्यूनिक में रह चुका था इट इज़ एब्जर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस है और यह बेतुकी बात रहेगी कि यदि वह इसी प्रकार कहता है कि इसी प्रकार यदि मैं चलता रहा तो बहुत ही बेतुकी बात होगी इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माय फादर्स मनी एंड एवरी टाइम और अंत में यही सिद्ध होगा कि मैं अपने पिता का धन को नष्ट कर रहा हूँ और सभी का समय भी बर्बाद कर रहा हूँ इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ कहता है कि यदि मैं अभी यहाँ पर रहना बंद कर दूँ तो यह सभी के हित में रहेगा इट विल बी बेटर फॉर ऑल सभी के लिए सही रहेगा एंड देन व्हाट विल यू डू यू री आस्ट यूरी ने पूछा कि फिर भाई फिर तुम करोगे क्या आई डोंट नो कहता मुझे नहीं पता इफ आई गो टू मिलान आई एम ऑपरेट माई फादर विल सेंड मी बैक यदि मैं मिलान जाता हूँ तो मुझे इस बात का भय है कि मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे इस बात का मुझे भय है अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया तभी उसकी सडन आइडिया आकस्मिक विचार हा? से उसकी आंखों में जगमगाहट आ गई ग्लीम मीन्स जगमगाना एक संग। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स क्या तुम्हारा कोई डॉक्टर मित्र है जानते हो किसी को आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स कहता है कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली और ज्यादातर उनमें से उनमें से कुछ मेरे मित्र ही हैं सेड यूरी डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड सॉरी डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन वाई कहता है कि उसने जब बता दिया कि बहुत सारे मित्र हैं तो वो बोला कि डॉक्टर नहीं किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए कभी भी मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा मेरे पास नहीं था कभी भी हुं? क्यों सपोज सेड अल्बर्ट दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन तो अल्बर्ट ने कहा कि मानो मेरा मस्तिष्क नर्वस ब्रैकडाउन मींस कुछ uh, मस्तिष्क में कुछ हो गया है ये बात मान कर के चलिए और इसीलिए सपोज ये डॉक्टर वुड से और ये मान कर के चलो इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल कि मेरे लिए स्कूल जाना बेड रहेगा एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट और मुझे यहाँ से तुरंत चले जाने की आवश्यकता है मुझे तुरंत चले जाना चाहिए आई इमेजिन ए डॉक्टर सेंग दैट सेड यूर ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि एक डॉक्टर ऐसा कहेगा इस बात को तो मैं कहना आई कांट इमेजिन कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ आई मस्ट ट्राई सेडल्ट ने कहा कि फिर भी मुझे प्रयत्न तो करना ही चाहिए क्यों आई मस्ट ट्राई टू फाइंड ए डॉक्टर हु इन नर्व्स एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढूं जो इन नर्व्स का मांसपेशियों का स्पेशलाइज हो आई मीन्स विशेषज्ञ हो देर आर प्लेंटी ऑफ देम कताब ऐसे बहुत हैं यूरी टोल्ड यूरिटो यूरिनो से बताया ही हैजिटेटेड फॉर ए मोमेंट एक क्षण तक तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया अभी हेजिटेट हिचकिचाने के लिए बोलते हैं एंड देन एडिड और तब फिर से बोला राधा रिलुक्टेंटली बल्कि एक कुछ अनिच्छा से रिलुकटेंटली मीन्स अनविलिंगली अनिच्छा से आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन इफ यू लाइक कहता है कि मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछ लूँगा शायद वे किसी को जानते हों इस प्रकार के डॉक्टर को किसी को जानते हों विल यू ओ थैंक यू यूरी अलबर्ट्स आइज वर साइनिंग क्या तुम ढूंढ लोगे उसके लिए तो मैं पहले से ही धन्यवाद और उसकी आंखों में चमक आ गई वो उसकी आंखें चमकने लगी वेट ए मोमेंट आई वन फाउंड वन येट हाँ कहता है कि प्रतीक्षा करो मुझे अभी तक कोई डॉक्टर ऐसा मिल नहीं पाया है kata, oh, तो कहता है ओह बट यू विल लेकिन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा मिल लोगे तुम तो ऐसे डॉक्टर से ढूंढ निकालोगे एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू कहता है और यदि मुझे मिल भी जाएगा तो मुझे मैं कैसे तो मैं श्योर बताऊँ मुझे यही पता नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करने का इच्छुक होगा भी या नहीं होगा ही विल ही विल डिक्लेयर ने कहा कि नहीं वो निश्चित ही मदद करेगा आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन मेरा मुझे वास्तव में ही कहता है कि मुझे वास्तव में ही इस तरह का नर्वस ब्रेकडाउन कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक जो भी अशिथिलता है वो होने वाली है दिमाग में दिक्कत आने वाली है नाड़ियों में टू मेक इट इजियर फॉर हिम ही लाफ्ड मेरीली है और इसके से उसका काम आसान होगा और वह जोर से प्रसन्नतापूर्वक हंसने लगा आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी तो यूरी ने टिप्पणी की कि मुझे तुम कभी भी इससे कम शिथिल दिखाई नहीं पड़े हो तुम हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते हो ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट right. तो कहता है कि स्कूल में एक या दो दिन और अधिक रह गया तो वह तुरंत उसे ठीक कर देगा हाँ अल्बर्ट एज हिम अल्बर्ट ने उसे ऐसा विश्वास दिलाया सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्प्रिट्स वेन यूरी सो हिम नेक्स्ट और वास्तव में जब यूरी ने उसको अगली बार देखा अगली बार उससे मिला तो वह अपने उत्साह को खो बैठा था आइंस्टीन का उत्साह मर चुका था आई कॉन्ट स्टैंड इट एनी लॉगर हीड और उसने कहा था कि मैं इससे अधिक और सहन नहीं कर पा सकता हूँ आई रियली सेल हैव ए नर्वस ब्रैकडाउन देट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर और मुझे वास्तव में ही है नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है जिससे वो डॉक्टर संतुष्ट हो जाएगा कीप इट अप देन सेड यूरी आई है फाउंडेड डॉक्टर फॉर यू कहता है तो फिर इसे बनाए रखू एूरी बोला मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है यू हैव अल्बर्ट्स फेस लाइट अपबर्ट का चेहरा चमक उठा बोले अच्छा आपने ढूंढ लिया ओ गुज वेन कैन आई यू सी हिम मैं मुझे उससे कम मिलना है आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग तो कल शाम का उससे मिलने का समय है यूरी ने बताया हेयर इज द एड्रेस और एड्रेस येलो ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर उसने अलबर्ट को एक पेपर का टुकड़ा दे दिया डॉक्टर आंस टेल नाम था उसका डॉक्टर आंस टवेल इज ही स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स आस्टर अलबर्ट अल्बर्ट ने पूछा कि क्या वो नर्वस ट्रबल का नाड़ियों संबंधी जो कष्ट होते हैं उनका स्पेशलिस्ट है नॉट एक्जैक्टली यूरी एडमिटेड एडमिट यूरी ने कहा कि नहीं हाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल आ, एक कहने का मतलब नॉट एक्जैक्टली मीन्स पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक और वास्तव में उसने पिछले सप्ताह ही डॉक्टरी का जो डिप्लोमा है उसको प्राप्त किया है यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट हो सकता है कि तुम उसके पहले पेशेंट हो यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन तो क्या तुम उसे एक विद्यार्थी के रूप में भी जानते थे हैं आई हैव नॉन आंस्ड फॉर ईयर्स यू री हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स तो कुछ सचाते हुए कुछ क्षण हिस्सिक चाहते हुए कहता है वो कि आई हैव नॉन आंस्ड फॉर ईयर्स मैं तो उसे वर्षों से जानता हूँ ही इज नॉट ए फूल ही वारंट अल वर्ल्ड और उसने अल्बर्ट को चेतावनी देते हुए कहा कि वो कोई मूर्ख नहीं है वाट डू यू मीन कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है प्रयोजन क्या है डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज कहता है कि उसे धोखा देने का प्रयास मत करना यूरी ने उसको बताया दैट इज ऑल और यही सब कुछ है बी फ्रेंक विद हिम उसके साथ बिल्कुल भी हा? साफ साफ बात बता देना फ्रेंक होना एंड डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वाट यू हैवंट और उस बीमारी का बहाना मत करना जो बीमारी तुम्हारे अंदर है ही नहीं नॉट दैट यू वुड रिसीव एनी वन यू रियाडेट हैं और यूरी ने कहा कि इससे मत समझो कि तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट लायर है तो और तुम दुनिया के में सर, इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक सर्वाधिक झूठे व्यक्ति हो अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग वाट टू टेल द डॉक्टर तो अलबर्ट अगले दिन यही विचार करने में लगा रहा कि वह डॉक्टर को क्या बताएगा वेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड व रीड ओवर इट और जब उनसे मिलने का समय नजदीक आ गया तो इस बारे में उसे अधिक चिंता भी थी देट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस और वास्तव में वह नर्वस हो गया था घबरा रहा था शिथिल हो गया था आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रेवल डॉक्टर वेल ही बिगेन तो उसने कहना शुरू किया किसने आइंस्टीन ने कि डॉक्टर वेल मुझे वास्तव में यह नहीं पता अब कि अपनी परेशानियों का उल्लेख मैं तुम्हारे सामने किस प्रकार करूँ हाँ डोंट ट्राई सेट यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल तो कहता कि मत करो। डोंट ट्राई उसने एक मैत्रीपूर्ण मुस्कान उसकी तरफ बिखेरते हुए कहा कि कोई जरूरत नहीं है मत करो बिल्कुल भी यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी हिस्ट्री ऑफ द केस यूरी ने मुझे पहले से ही इस पूरे केस की कहानी को सुना दिया है ओ वाट डिड ही से क्या कहा उसने ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन केवल उसने यही बताया कि तुम चाहते हो कि मैं यह सोचूँ कि तुम्हें जो नर्वस सिस्टम में जो गड़बड़ है वो है और तुमसे कह दूँ तुमसे ये बात कह दी जाए कि से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल कि तुम्हें उस स्कूल में वापस फिर नहीं जाना है ओ डियर हा डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट होंट बी सॉरी ओ डियर अल्बर्ट फेस फेल तो कह लगा अरे अल्बर्ट का चेहरा थोड़ा सा मुड़जा गया ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट कि उसे मुर्जा क्यों गया उसने सोचा कि उसे ये बात उसको बतानी नहीं चाहिए थी उसने ऐसी बात समझी वाई नॉट इजेंटेड ट्रू देन कहने लगा क्यों नहीं क्या ये सच बात नहीं है यस देट इज़ द ट्रबल बात तो सच है लेकिन परेशानी भी तो यही है देट इज़ द ट्रबल नाओ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी अब तुम तो ये कहोगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं इसी बात को तो कहोगे कि मुझे अब कोई बीमारी नहीं है एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल और तुम भी मुझे स्कूल वापस जाने की बात कहोगे कि मैं स्कूल चला जाऊँ तुम भी तो कहोगे डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेट द डॉक्टर तो डॉक्टर ने कहा कि उसके बारे में इतने श्योर होकर के मत बोलिए एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल मैं बिल्कुल मुझे विश्वास है हैं और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ मैं हैं कि उस स्कूल के बारे में तुम वास्तव में ही नर्वस जो तुम्हारी गड़बड़ हो रही है नर्वस उसी स्थिति में ही हो बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट लेकिन इस बारे में मैंने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं है अलबर्ट ने कहा वाइड आइड खुली हुई आंखों से है हाउ कैन यू नो दैट तो मैं इस बात का कैसे पता चला है बिकॉज यू वॉन्ट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडेंट बीन प्रेटी क्लोज टू ए नर्वस ब्रैकडाउन दैट इज़ वाई तो उसने बहुत ही अच्छा कारण दिया क्योंकि यदि तुम इस तरह से इस शिथिलता के नज़दीक नहीं होते तो उसके विषय में मुझसे मिलने कभी नहीं आते और यही कारण है उसने कारण बता दिया नाउ said द डॉक्टर ब्रिस्कली अब डॉक्टर तेजी से ब्रिस्कली तेजी से बोल उठा इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन कि यदि मैं इस बात को सर्टिफाई कर दूं प्रमाणित कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है कहने का मतलब तो तो शिथिलता है एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल और तुम्हें स्कूल से कुछ समय के लिए दूर रुकना चाहिए व्हाट विल यू डू तब तुम क्या करोगे आई विल गो टू इटली सेड कहता है कि मैं इटली चला जाऊँगा टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर मिलान चलाऊँ चला जाऊँगा जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं तो वहाँ चला जाऊँगा मैं एंड वट विल यू डू देयर तुम वहाँ क्या करोगे आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन एटेलियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लूँगा हाउ कैन यू विदाउट इट डिप्लोमा तो कहता है कि बिना डिप्लोमा के तुम ऐसे ही कैसे कर सकते हो बिना डिप्लोमा के नहीं होगा आई विल आस्क माई मैथमेटिशियन टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क तो क्या कहता है कि मैं जो हमारे मैथ के टीचर हैं मैं गणित के जो अपने अध्यापक हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि मेरे काम के बारे में कोई वो प्रमाण पत्र मुझे दे दें एंड पर हैप्स दैट विल बी एनअप और शायद वही काफ़ी होगा आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल जितना भी उन्होंने स्कूल में गणित सिखाया है वो सब मैंने सीख लिया है एंड ए बिट मोर और उससे ज़्यादा भी सीख लिया है ही एडेड वैन डॉक्टर वेल लॉक टू डाउटफुल हैं उसने ये बात कब बोली जब डॉक्टर वेल well थोड़े से डाउटफुल थे उनको थोड़ा सा संशय था वेल इट इज़ अप टू यू ही सेट कहने लगे ठीक है ये सब तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ है मुझे संशय है कि यह कारगर भी होगा हैं बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई सेंग सॉरी बाई स्टेइंग हेयर है, है? किंतु मैं कह सकता हूँ मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम यहाँ ठहर कर अपना फायदा करते हो और ना ही किसी अन्य व्यक्ति का तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे You शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल हाँ तो उसने एक चीज़ उससे पूछ ली कि क्या तुम ये बताना चाहोगे कि मैं तुम्हें स्कूल से कितने दिन का विश्राम दिला दूँ मीन्स कितने दिन की छुट्टी इस स्कूल से करवा दूँ वुड सिक्स मंथ भी ऑल राइट क्या छह महीने का समय पर्याप्त नहीं होगा दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू ये तो आपके लिए बहुत ही दयालुता की बात होगी डॉक्टर इट इज़ नथिंग यह कुछ नहीं है आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बींग स्टूडेंट माई सेल्फ है मैंने अभी विद्यार्थी जीवन अपना अभी तो अभी तो समाप्त किया है सो आई नो हाउ यू फील इसलिए मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो हे आर यू आर है यहाँ पर तुम हो डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट डॉक्टर वेल ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया एंड द बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ लक भी बोला हाउ मच कितना रुपया देना है नथिंग इफ यू हैव एनी थिंग टू स्पेयर इन्वाइट यू री टू ए मील तो कहता है कि कुछ भी नहीं लेना लेकिन यदि तुम्हारे पास कुछ है कुछ पैसा देना है तो यूरी को भोजन के लिए आमंत्रित कर दो उसको भोजन पर बुला लो यूरी के लिए है ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड वे मोर्या बहुत अच्छा मित्र है एंड योर्स टू तुम्हारा भी मित्र है आई थिंक अलबर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर तो अल्बर्ट के पास स्पेयर में कोई मनी तो था नहीं बट ही प्रिटेंटेड दैट ही हैड टुक ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सुपर लेकिन उसने केवल उसका बहाना बनाया क्या मतलब उसको उसने यह बहाना बनाया कि उसके पास ज्यादा पैसा है और वह यूरी को कहां ले गया रात को भोजन पर ले गया यूरी आउट टू सुपर इजेंट इट वंडरफुल ही सेड आफ्टर सोइंग यूरी द सर्टिफिकेट तो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए वो कहता है कि क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है क्या ये बात आश्चर्यजनक नहीं है यस इट्स फाइन यूरी अग्रीड तो यूरी इस बात पर सहमत हो गया यूरी कि हाँ भाई तो बात तो बहुत ही सुंदर है हैं सिक्स मंथ्स इज ए गुड पीरियड छः महीने का एक बड़ा अच्छा खासा पीरियड होता है दिस वे यू यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीव द स्कूल सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट हैं यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा हैं तो वो क्या कहता है कि छः महीने की अवधि अधिक होती है तो बोल दी उसने आ, इस प्रकार तुम वास्तव में स्कूल को छोड़ोगे नहीं इसलिए यदि स्थिति बिगड़ जाती है तो तुम लौटकर आ सकोगे और अपने डिप्लोमा की तैयारी कर सकोगे एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस अल्बर्ट ऐसे ऑर्डेम अल्बर्ट ने उसे Uh, पुनः विश्वास दिलाया कि मैं उस प्लेस पर वापस नहीं जाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टूमारो इस सर्टिफिकेट को मैं हेड टीचर के पास कल लेकर के जा रहा हूं एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट और वो इस चीज़ का अंत होगा डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट यूरी रिमाइंडेड तो यूरी ने उसको एक बात याद दिला दी कि पहले अपने गणित के अध्यापक से लिखित रूप में जो आ, जो भी चीज़ है उसको लेना मत भूल जाना ये उसने याद दिलाया मिस्टर कोच विलिंगली गिव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड और जो मिस्टर कोच जो थे अल्बर्ट के जो टीचर थे मैथ्स के उन्होंने अल्बर्ट के द्वारा जो प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट था आ, उसको उसके चाहने के अनुसार ही उसे अपनी सहमति से दे दिया इफ़ आई से आई कान टीच यू एनी मोर कहता है कि यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता हूँ हाँ एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी हाँ और संभवतः थोड़े समय बाद तुम भी मुझे पढ़ाने के योग्य हो जाओ विल दैट बी ऑल राइट हैं तो क्या ये है कहना ठीक होगा ऐसा उसने इस पूछा ही आस्क दैट इज सेग टू मच सर सेट अलबर्ट अलबर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया श्रीमान जी सर तो काफ़ी ज्यादा हो गया इट इज ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट हैं ये तो केवल सच्चाई है है और जब सच बात है तो यही है ऑल राइट इट इज ट्रू सच बात तो यही है आई विल पुट इट मोर सीरियसली है और मैं इसे बहुत अधिक गंभीरता से लूंगा इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस है यह अभी भी शानदार रेफरेंस था एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट और मिस्टर कोच ने यह संकेत दे दिया क्या दे दिया दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज कि अल्बर्ट हैं बिल्कुल इमीडिएटली तत्काल ही किसी महाविद्यालय है कॉलेज मींस महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट या किसी संस्था में हायर मैथमेटिक्स उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए तैयार है आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस कहता मुझे अफसोस है कि तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास ही सेट और उसने ये भी कहा गणित के टीचर ने कि तुम मेरी क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम तो वो कहता है एल्बर्ट कि सर केवल यही एक क्लास होती है जहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर लेकिन तुम्हें तो कैसे पता कि सर मैं यहाँ से जा रहा हूँ यू वुडंट हैव आस्कड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज हैं तो वो कहता है कि अन्यथा में तुम तो मुझसे ये विवरण नहीं मांगते कहने का मतलब तुम जा रहे हो तभी तो मांग रहे हो वैसे तुम इसका इसका विवरण बिल्कुल भी नहीं मांगते आई थॉट यू वुड वंडर हैं मैं सोच रहा था कि आपको आश्चर्य होगा देर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन आइंस्टीन इस माश्चर्य की कोई बात नहीं है आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ मैं जानता था कि तुम स्वयं को जानने से पहले इसको छोड़ जाओगे अल्बर्ट वॉज पजल्ट अल्बर्ट थोड़ा सा पजल हो गया घबरा सा गया वाट डिड द टीचर मीन है टीचर की क्या इस बात का मतलब क्या था उसने क्या कह दिया टीचर ने ही सून फाउंड आउट बिफोर

नहीं करनी पड़ी ही हार्डली बॉर्डर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर है उसे एक बात की आवश्यकता नहीं पड़ी उसे आश्चर्य पड़ने की कि उसे अंदर क्यों बुलाया गया है उसे इस बात की कोई आश्चर्य बट वैग्यूली सपोज ही वॉज़ टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस लेकिन उसे वैग्यूली अनायासी स्पष्ट रूप से उसे आवास हो गया था कि आज उसे फिर उसके घटिया काम और आलस की वजह से दोबारा से उसको दंड दिया जाएगा वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट है तो कहता है कि अब इस दंड से जो पनिशमेंट है क्योंकि वो जहां से जा रहा था तो अब इससे उसका पीछा छूट जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू द हेड हेड टीचर सेड दीचर की मैं तो मैं पनिशमेंट नहीं देने जा रहा हूँ टू अलबर्ट सरप्राइज और अल्बर्ट को इस बात का बहुत सरप्राइज हुआ योर वर्क इज टेरिबल है तुम्हारा तो काम ही बड़ा भयानक है एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर आइंस्टीन और आइंस्टीन मैं तुम्हें स्कूल में और अधिक रखने के लिए तैयार नहीं हूँ आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाव मैं चाहता हूँ कि तुम अब स्कूल को छोड़ करके चले जाओ छोड़ दो स्कूल को लीव स्कूल नाव रिपीटेड अलबर्ट डेज कहता है कि स्कूल को छोड़ जाऊँ डेज मीन्स भौचक्का होकर चक्का हो चौथ सीमा करके कहता है कि स्कूल छोड़ू यस दिस इज व्हाट आई सेड जो कुछ मैंने कहा हुई वही तो है ये यू मीन अल्बर्ट सेड दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड तो अल्बर्ट ने कहा कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है हाँ कि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है भाई तुम्हारा कि मैं यहाँ से निष्कासित हो गया हूँ तुम्हारा कहने का मतलब यही तो है यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विस आइंस्टीन आइंस्टीन ऐसा ही समझ लो यदि तुम यही चाहते हो यही सोच रहे हो तो ऐसा समझ लो द हैड टीचर वॉज नॉट मीन्सिंग वर्ड्स हैजीचर अब बातों को गोलमोल नहीं कर रहा था मीन्सिंग वर्ड्स शब्दों को चबा नहीं रही था द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज कहता है सबसे अच्छी बात क्या रहेगी तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात यही होगी कि अपनी स्वेच्छा से यहाँ से चले जाओ तो इस निष्कासन का देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा बट सेड अल्बर्ट लेकिन अल्बर्ट ने कहा वट क्राइम हैव आई कमिटेड मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है तो उसने अपराध बताया उसको योर प्रेजेंस इन द क्लास रूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच है कहता है कि कक्षे में कक्षा में तुम्हारी उपस्थिति ही अध्यापक के लिए पढ़ाना दूभर कर देती है एंड फॉर द अदर पीपुल्स टू लर्न और दूसरे विद्यार्थियों के लिए सीखने में जो तुम्हारी एक्टिविटीज़ हैं वो परेशानी करती हैं यू रिफ्यूज टू लर्न तुम याद करने के लिए मना करते हो यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन तुम हमेशा से ही रेबेलियन मीन्स विरोधी बन जाते हो एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर और जब भी तुम वहाँ रहते हो उतने पर भी तुम्हारी तरफ से कोई भी सीरियस वर्क नहीं किया जाता है गंभीर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट तो अलबर्ट को यह महसूस होने लगा कि जो डॉक्टर का वो प्रमाण पत्र था उसकी जेब में मानो कोई छेद कर रहा हो मींस वो बेकार हो गया था अल्बर्ट को ऐसा लगा आई वॉज गोइंग टू लीव एनी ही सेड कहता है कि खैर मैं स्कूल को छोड़ने ही वाला हूँ देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आई स्टीन दीच टीचर सेड तो फिर हेड टीचर ने कहा कि कम से कम हमारे बीच में एक तो समझौता ये हो ही गया है हाँ, एग्रीमेंट तो हो गया है फॉर ए मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वट ही था थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल तो क्षण के लिए कुछ समय के लिए अल्बर्ट हैं हाँ, उस व्यक्ति को अर्थात उस हेड टीचर को यह बताने के लिए थोड़ा सा उत्सुक हो गया लालायित हो गया कि वह उसके बारे में तथा उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता है अर्थात आइंस्टीन के के उसके स्कूल के बारे में और उस प्रिंसिपल के बारे में आइंस्टीन की क्या राय है देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ था उसने अपने आप को फिर भी रोक लिया विदाउट एनोदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड आउट और बिना कोई शब्द बोले अपना सिर ऊंचा करते हुए वह वहाँ से बाहर निकल गया सट द डोर आफ्टर यू साउट द हेड तो है टीचर चल रहा है कि जब तुम निकलो तो इस दरवाजे को बंद कर दो अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम एल्बर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया उस पर ध्यान नहीं दिया उसको अनसुना कर दिया ही वॉकड स्ट्रेट ऑन वह विद्यालय से सीधा बाहर निकला आउट ऑफ द स्कूल वे आर ही हैड स्पेंट फाइव मिजरेबल ईयर्स कहाँ से कौन सा विद्यालय जहाँ उसने पाँच वर्ष बड़े मिजरेबल बड़े दुखी होकर के गुजारे थे विदाउट टर्निंग हिज हैड टू गिव इट ए लास्ट लुक है और उस कहने का मतलब है कि वो उसने आखिरी बार देखने के लिए भी अपना सिर पीछे तक नहीं मोड़ा मीन्स उसने पीछे मुड़कर भी देखना पसंद नहीं किया ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू हैं और उसने उसका भी किसी का भी ध्यान नहीं दिया उसको ऐसा कोई व्यक्ति ध्यान नहीं आया जो उसको अलविदा कह सके इन वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिस ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही फेल्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल तो वास्तव में उस पूरे म्यूनिस में म्यूर ये कैसा व्यक्ति था जिससे वह उस जगह को छोड़ने पर उस शहर को छोड़ने से पहले मिलना चाहता था वो केवल एक ऐसा व्यक्ति था वह उस कस्बे से मींस उससे उस टाउन से, उस से इतनी ही घृणा करता था जितनी कि उसको घना स्कूल से थी एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एल्सा बर्लिन वापस आ गई थी एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स और और उसका कोई सच्चा मित्र दूसरा था नहीं एल्सा तो वहाँ वापस आ चुकी थी बर्लिन में तो एकमात्र यूरी बच गया तो वही उसका सच्चा मित्र था गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी वैन ही लेफ्ट तो जब वह चलने लगा तो यूरी ने उसको अलविदा कहा और गुड लक भी बोला और उसने कहा कि यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री आई थिंक कि मुझे ऐसा मेरा विचार है कि तुम तो एक बहुत ही वंडरफुल कंट्री को जा रहे हो आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पी आर देयर और मुझे यह होप है मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर तुम खुश रहोगे तो गाइस मैं भी ये आशा करता हूँ कि आपने ये चैप्टर ढंग से सुना होगा समझा होगा और समझने के बाद में इसको मैं फिर से आपसे यही कहूँगा यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको आप एप्रिसिएट भी करें कमेंट्स बॉक्स में डालें और ये बताएं कि मुझे आप आगे और कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इस वर्ष आपको पता है कि पहले से ही थर्टी परसेंट सिलेबस को रिड्यूस किया गया है तो कौन सा चैप्टर आप अभी तो स्नैपशॉट चल रहा है आपका यदि आप हॉर्नबिल में से भी जो स्पेशल चैप्टर्स हैं यदि आप उनको चाहते हैं तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगा ओके थैंक यू